आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मॉम डैड एंड बेबी में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं डिलीवरी के कितने दिनों के बाद शुरू हो जाते हैं पीरियड्स। डिलीवरी के बाद शरीर में बहुत ज़्यादा बदलाव आता है। प्रसव के बाद महिलाओं के मन में यह सवाल भी आ जाता है कि अब उन्हें पहला पीरियड्स कब और कैसे आएगा। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सबका एक सब्सक्राइब हमारा तहे दिल से शुक्रिया। 10 से 12 साल की उम्र से शुरू होकर 45 से 55 साल की उम्र तक जब तक मेनोपॉज नहीं आ जाता तब तक पीरियड्स हर महीने महिलाओं के साथ रहते हैं। लेकिन इस दौरान जब महिला गर्भवती होती है तो उनके पीरियड्स बंद हो जाते हैं। वहीं प्रेगनेंसी के तुरंत बाद पीरियड्स होना संभव नहीं है। अगर ऐसा होता है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। लेकिन डिलीवरी के बाद ज़्यादातर महिलाओं के मन में ये सवाल रहता है कि आखिर उनके पीरियड्स दोबारा कब शुरू होंगे। कहीं पीरियड्स शुरू न होने का मतलब ये तो नहीं कि वह दोबारा गर्भवती हो गई हैं। अगर आपके मन में भी इस तरह के कई सवाल हैं तो आज हम आपको बताएंगे कि डिलीवरी के बाद महावारी दोबारा शुरू होने से जुड़ी सारी अहम बातों को। एक महीने से 6 महीने के बीच शुरू हो सकता है पीरियड्स। वैसे तो पीरियड साइकिल के दोबारा शुरू होने के पीछे कई कारण जिम्मेदार होते हैं। जैसे आप अपने शिशु को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं या नहीं, अगर ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं तो कितने मात्रा में बच्चा आपका दूध पीता है। लेकिन अधिकांश मामले में प्रसव के बाद 1 महीने से लेकर 6 महीने के बीच कभी भी दोबारा से पहला पीरियड शुरू हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि जब तक आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती रहें तब तक आपका पीरियड शुरू ना हो। बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाने का सीधा संबंध प्रेगनेंसी के बाद दोबारा पीरियड शुरू होने से है। ऐसा इसलिए क्योंकि महिलाओं के शरीर में ब्रेस्ट मिल्क के उत्पादन के लिए जिम्मेदार हॉर्मोन्स प्रोलैक्टिन ओव्यूलेशन की प्रक्रिया को रोक देता है और इसलिए पीरियड्स फिर से शुरू नहीं होते। यही वजह है कि जो महिलाएं बच्चे को अपना दूध नहीं पिलाती हैं उन्हें तो 4 से 8 हफ्ते के अंदर ही दोबारा पीरियड्स आ जाता है। लेकिन जो महिलाएं बच्चे को नियमित रूप से ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं उनके पीरियड्स दोबारा शुरू होने में कई महीनों का वक्त लग सकता है। इसलिए हम यह मानकर चलते हैं कि डिलीवरी के 6 महीने बाद तक दोबारा पीरियड शुरू न होना एक सामान्य सी बात है।